सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज भारत देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। भारत की जन्मभूमि ने, भारत माता ने आज के दिन ऐसे दो महान पुरुषों को जन्म दिया, अपनी गोदी में जो है उन्होंने स्थान दिया, खिलाया, उन्हें विकसित किया, पलवित किया, जिसकी गौरव गाथा आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व उसकी गाथा गा रहा है। साथियों, इससे पूर्व वाले जो क्लास थी उसमें हमने महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करी और दूसरी आज की जो महत्वपूर्ण क्लास है आज चर्चा करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के संबंध में। साथियों, शास्त्री जी के हर व्यक्तित्व हर आयाम से हम कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे महान पुरुष के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या क्या प्रेरणाएं मिलती हैं, उनके द्वारा किए गए क्या कृतित्व हैं और भारत को किन ऊंचाइयों में की ओर ले गए हैं। साथियों, उनकी शारीरिक संरचना, उनके नाम से कई गुना उन्होंने अपने जो आत्मबल के द्वारा, अपनी जिज्ञासा के द्वारा भारत को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे हमारा देश का जो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश में एक देहात मुगल सराय या वाराणसी के निकट चांदोली नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता जो थे वो एक वैश्य परिवार से संबंध रखते थे। इनके जन्म की तिथि 2 अक्टूबर पड़ती है और 2 अक्टूबर को गांधी जी की भी जयंती आती है, लेकिन वर्ष भिन्न है। 1869 जो है महात्मा गांधी का जन्म वर्ष है और इसी प्रकार 2 अक्टूबर 1904 लाल बहादुर शास्त्री का जन्म तिथि है। छोटे से गांव में जन्म लिया, वैश्यिक परिवार था और इनके पिता का जो नाम था मुंशी शारदा प्रसाद, जो कि एक प्राथमिक शिक्षक थे। शिक्षक का व्यक्तित्व उनके संस्कारों में भी था, उनका प्रभाव लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर भी पड़ा। उनकी माँ का नाम राम दुलारी था और जब जन्म हुआ था जो है शारीरिक संरचना में इनका आकार प्रकार बहुत छोटा था, इसी कारण इन्हें नन्हे के नाम से अभिहित किया गया। इनके बचपन का नाम नन्हे था लेकिन प्रकृति की जो मंजूरी थी वो कुछ और थी। ये जब 18 मास के हुए थे साथियों और इनके पिता का देहांत हो गया। माँ राम दुलारी एक छोटे से बालक का लालन पोषण कैसे करें, इसी कारण वो अपने पिता के पास चली गई और पिता के पास गई, लेकिन कुछ समय बाद उनके पिता का भी या शास्त्री जी के नाना जी का भी देहांत हो गया और नाना जी का देहांत हो जाने के पश्चात जो है इनकी माँ के ऊपर या इनकी राम दुलारी के ऊपर काफी प्रकृति का वज्रपात हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने जो हिम्मत नहीं हारी, उनकी परवरिश जो है इनके मौसा जी रघुनाथ प्रसाद जी के द्वारा उनका लालन पालन किया गया। साथियों, प्राथमिक शिक्षा भी शास्त्री जी की ननिहाल में हुई और वहां पर जो है पूरे चित्त के साथ पूरा दत्तचित्त होकर अपनी माँ का सहयोग भी करते थे और अपनी शिक्षा को भी उन्होंने पूर्ण किया। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उनके मौसा जी के कहेनुसार उन्होंने जो उच्च शिक्षा के लिए काशी विद्यापीठ में प्रवेश किया। काशी विद्यापीठ में जो उसमें स्नातक की उपाधि को शास्त्री कहते हैं, शास्त्री की उपाधि पूर्ण करने के पश्चात इनके नाम के आगे जो पहले अपने पारिवारिक या जातिगत जो संबोधन था उसको हटाकर इन्होंने शास्त्री जोड़ दिया गया। यहीं से ये शास्त्री के नाम या संज्ञा से जो है लोगों की पहचान बन चुके थे। साथियों, इसी शिक्षा के दौरान 1928 ईस्वी में इनका विवाह जो है उत्तर प्रदेश में ही मिर्जापुर की जो एक लड़की थी जिनके पिता का नाम था गणेश दास और ललिता के साथ इनका विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात इनका पारिवारिक जीवन तो चला लेकिन इनका मन मस्तिष्क और इनका कर्तृत्व जो है देशभक्ति की तरफ रंग गया था। इन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान ही जो है जैसे शिक्षा पूर्ण करी या स्नातक या शास्त्री की उपाधि पूर्ण करने के पश्चात इन्होंने भारत सेवक संघ संगठन ज्वाइन किया। भारत सेवक संघ जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बुनियाद था। राष्ट्रीय आंदोलन में भरसक सहयोग कर रहा था, उनमें जैसे सदस्यता ग्रहण की और उस समय जो है राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी संभाल रहे थे और गांधी जी का हर कर्तव्य इन पर छाप छोड़ता गया और सच्चे गांधीवादी कहलाए और सच्चे गांधीवादी जो मिशनरी कार्यक्रम थे
उनमें बरसक सहयोग दिया। अपने क्षेत्र में रहते हुए गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो भी कार्यक्रम थे उनमें सहभाग किया। अंत में जब राष्ट्रीय आंदोलन जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी जिज्ञासा को प्रकट किया और इन्होंने जो है राष्ट्र के समर्थन में जिस तरह से दो तरह की भयावह स्थिति बनी हुई थी, सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने भारत को छोड़कर विदेश में जाकर जर्मनी और जापान में जाकर वहां से अपने भारत को आजाद कराने के लिए बेड़ा उठाया, आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता बने और वहां से जो है उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह के नारे को लेकर जब सुभाष चंद्र बोस भारत की ओर बढ़ रहे थे और उसी तरह महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई से जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था और उस दौरान 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मंच से संबोधन दिया करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा उस नारे को तात्कालिक भारतीय परिस्थितियों के अनुसार या देश की अनुकूलता के अनुसार उस नारे को बदल कर शास्त्री जी ने क्या संबोधन दिया, मरो नहीं मारो का संबोधन दिया। दोस्तों ये मरो नहीं मारो का नारा या संबोधन राष्ट्र के नाम जो है शास्त्री जी के द्वारा कहां पर इलाहाबाद में संबोधित किया गया था। इलाहाबाद में इनके जो सेवक संगठन था उनमें अच्छे उच्च पद पर थे, उन्हीं के दौरान नेहरू जी की निकटता बनी और नेहरू जी के काफी सानिध्य में रहे और नेहरू जी के साथ में बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग भी देते रहे थे। इसी कारण नेहरू जी की जब सरकार बनी या नेहरू जी के जो भी आंदोलन चले थे उनमें लाल बहादुर शास्त्री जुड़े हुए थे। आगे चले दोस्तों, तो इस प्रकार 1929 से ही लाल बहादुर शास्त्री के साथ निकटता रही। 1961 में जो है नेहरू जी के साथ में जो गृह मंत्री के रूप में रहे, 1964 ईस्वी में भारत के विदेश मंत्री बने और 1965 ईस्वी में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी अपने को पदभूषित किया है। शास्त्री जी ये नहीं कि नेहरू जी के साथ होने से बड़े, नेहरू जी के साथ उनके स्वामी भक्ति या राष्ट्रभक्ति के आधार पर जो सेवा करते थे तो लोगों ने या अपनी परिस्थिति के अनुसार इनको ऊंचे कद पर पहुंचा दिया। देश की आजादी के पश्चात वो भारत सरकार में अच्छे एक पदों पर रहे, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है व्यक्तिगत जीवन के लिए या व्यक्तिगत परिवार के लिए किसी प्रकार का धन या किसी भी प्रकार का जो है अपना जीवन को परिवार की ओर नहीं मोड़ा। ऐसे व्यक्तित्व के धनी शास्त्री जी के ऊपर राष्ट्र की जिम्मेदारी आई नेहरू जी का अवसान हो जाने के पश्चात। जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था 1965 में, तब असामी की मौत नेहरू जी की हो जाती है। नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात जो है लाल बहादुर शास्त्री को भारत का नेतृत्व मिला, प्रधानमंत्री दूसरे भारत के प्रधानमंत्री बने और उसी समय मौका देखकर जो हमारे पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। इस विषम परिस्थिति का मुकाबला बड़े धैर्य के साथ किया और किस प्रकार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तीनों सेनाओं के जो मुखिया थे वो इनके आवास पर मीटिंग में तैनात थे, मौजूद थे और अब वो इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री क्या दिशा निर्देश दे और उन्होंने पहली बार जो सेनाओं के मुखियाओं को खुली स्वीकृति देकर ये कहा कि ये देश हित में कर्ज करना है, जो देश हित में आप कदम कर सको जो कदम उठा सको उठाओ मैं आपके साथ में हूँ। दोस्तों सेना का जो है उस समय कर्म कौशल देखने को मिला और तीनों सेनाओं की टुकड़ियों के मजबूती जो आंदोलन चलाए उस दौरान जो है भारत की सेना जो है लाहौर तक कब्जा काबिज हो चुकी थी। लाहौर तक हमारे पाकिस्तान की सीमा में घुसकर लाहौर तक या वायु स्टेशन तक हमारा कब्जा हो गया था और उस दौरान जो है अंतरराष्ट्रीय दबाव की परिस्थितियां देखने को मिली और लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर भी अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाए गए। अब देखो अपने कद अपने पद हैसियत के आधार पर न देखते हुए उन्होंने अपने आत्मबल के आधार पर किस प्रकार का जो निर्णय लिया वो हमें प्रेरणा देता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने जब ये लाहौर के वायु स्टेशन पर कब्जा कर लिया था सेनाओं ने, तब रूस और अमेरिका की चाल के द्वारा शास्त्री जी को रूस की राजधानी बुलाया गया। वहां पर बुलाने के पश्चात ताशकंद नामक शहर में जो वहां की तात्कालिक राजधानी हुआ करती थी वहां पर जो है भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना के मध्य समझौते की बात रखी गई। देखो कितने धैर्य के साथ किसने बहादुरी के साथ इस समय निर्णय देते हैं
कि इस समय आपने मुझे यहां बुलाया है। उसे परिस्थितियों के अनुसार लग गया कि वहां पर ताशकंद में जो बात होगी, समझौता होगा, वो भारत के शायद जो है विपरीत हो सकता है। उस समय अपनी पत्नी को साथ नहीं ले गए, ये दूरदर्शिता थी, उनको महसूस कर लिया था कि मैं वहां जाऊंगा तो खतरा होगा। लेकिन एक नेतृत्व भारत के सपूत होने के नाते गए, वहां पर दबाव डालकर अमेरिका और रूस के द्वारा ताशकंद में जो है लाहौर को छोड़ने के लिए सहमति पर हस्ताक्षर करा लिए गए। लेकिन ये कथन हमेशा याद रहेगा भारत के लिए, क्या कि आज मुझे दबाव में लेकर आप मेरे से हस्ताक्षर जरूर करवा रहे हैं, लेकिन लाहौर को जो है छोड़ने वाला कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही होगा, मैं नहीं छोड़ सकता। ऐसा कथन कह के साथियों उन्होंने जो है उस सभा से बाहर निकलाए। और देखो उनकी करतूतें, पाकिस्तान का तात्कालिक जो राष्ट्रपति था उसका नाम था अयूब खान। उनकी करतूतों के आधार पर जो है उसी समय 11 जनवरी 1966 की बात है, उस समय क्या हुआ कि उस रात को या तो बताया जाता है कि शास्त्री जी को जहर देकर मार दिया गया या किसी प्रकार से षड्यंत्र के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और उस समय जो है राजनयिकों के द्वारा ये कह दिया गया कि शास्त्री जी को हार्ट अटैक या हृदयघात की जो है समस्या के कारण या बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। साथियों ये भारत के लिए जो है काफी दंश वाला क्षण था, भारत के लिए जो एक तरह से इस घटना को सहन करने वाला क्षण नहीं था, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमें कदम उठाना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है वहां पर ताशकंद में हुई है, रहस्यमयी मौत मानी जाती है। लेकिन स्वतंत्र भारत के पश्चात सरकारों ने काफी प्रयास किया कि उनकी जांच कराई जाए, लेकिन राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय जांचों में जो है गड़बड़ डाले के आधार पर उनसे पर्दा नहीं उठ सका। इस प्रकार जो हमारे भारत के लाल सपूत जिसने तात्कालिक रूप से दो प्रमुख नारे दिए हैं, एक तो मरो नहीं मारो जो राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य आधार बन गया, और स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने कहा कि भारत माँ का जैसे मैं सच्चा सेवक हूँ, उसी प्रकार भारत का किसान भी भारत के लिए एक सच्चा सेवक है। उनके लिए नारा दिया जय जवान और जय किसान, क्योंकि जय जवान का हौसला बुलंद करने वाले भी लाल बहादुर शास्त्री थे, और किसानों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था और उनका हौसला बढ़ाने वाले भी कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। ऐसे महान सपूत को आज याद करना काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। साथियों आप भी सुनकर अपने आप को गर्व महसूस करेंगे कि भारत माँ के ऐसे सपूत हुए हैं। उनकी जब उनकी कृतित्व को उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं हमारा जो हृदय है गदगद हो जाता है। ऐसे शास्त्री जी का आज जयंती है, मैं हार्दिक रूप से उनको नमन श्रद्धान्वित करता हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनके अनुकरणों पर चलने का प्रयास करूंगा। जो शास्त्री जी के मुख्य उद्बोधन या उनकी जो उपाधियां हैं वो तीन मानी जाती है सत्य। बचपन में उन्हें नन्हे या छोटू कहा जाता था, बाद में जब उनकी उच्च शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्हें शास्त्री कहा जाने लगा, लेकिन जब उन्हें राजनीतिक नेतृत्व मिला तो उन्हें शांति दूत के रूप में भी जाना जाता है। साथियों ऐसे महान पुरुष को याद करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।